somebody please focus. अगर मैं तुमको बोलूं सबसे पहले बहुत सिंपल सिंपल फादर्स, एक बार जानबूझ कर रहा हूँ, फादर सन हमेशा ब्रदर होता है, क्योंकि कभी कभी आपको सुना होते हैं क्यों मेरे बाप का बेटा है, अरे जो मेरे बाप का बेटा वो मेरा भाई हुआ ना, बट ऑब्वियसली बात है यार मेरे बाप का बेटा मैं खुद ही हुआ. फादर सन इज ब्रदर एंड फादर ओनली सन इज योर सन. पहली बात समझो, फादर सन इज योर ब्रदर एंड फादर्स ओनली सन मतलब आप खुद हो गए. अगर आप मेल हो, अगर आप क्या हो मेल, तो इसमें सर कहां कहां ब्लड रिलेशन जो होते हैं वो आपस में रिश्तेदारी की बातें होती है, आपको समझ में आना चाहिए कहां से किसी दूसरे. तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अगर फादर सन बोला तो क्या होगा ब्रदर, अगर वो फादर फादर और मदर्स, फादर और मदर सन इज ब्रदर. अगर मैं बात करूं फादर और मदर डॉटर इज वॉट सिस्टर, फादर और मदर डॉटर इज सिस्टर, ठीक. उसके बाद अगर मैं बोलूं फादर्स फादर ग्रैंडफादर फादर्स, पहले एक बात ध्यान रखना, फादर्स फादर भी ग्रैंडफादर होते हैं, मदर्स फादर भी ग्रैंडफादर ही होते हैं. यहाँ पे नाना और दादा को अलग नहीं माना जाता है इंग्लिश में. मेरे ग्रैंडफादर, मेरे नाना भी मेरे ग्रैंडफादर हैं, मेरे दादाजी भी मेरे क्या है ग्रैंडफादर. तो अगर हम बात करें मदर्स मदर जो कि होती है नानी, या फादर्स मदर वो होती क्या ग्रैंड मदर, सही है. ब्रदर्स सन मेरे भाई का बेटा वो होता है मेरा नेफ्यू, जिसको अपन बोलते हैं नतीजा, ठीक है ना, एनएनडी जान मुझे. और ब्रदर्स ब्रदर्स सन और सिस्टर्स सन, मेरी बहन का बेटा मेरा क्या होगा नेफ्यू, ब्रदर्स सन और सिस्टर्स सन मेरा क्या रहेगा नेफ्यू. ब्रदर्स डॉटर और सिस्टर्स डॉटर और व्हाट सिस्टर्स डॉटर वो मेरे क्या रहेंगे नीस, क्या रहेंगे मेरे नीस. तो यहां पे क्या गया नेफ्यू और यहां पे क्या गया नीस. अगर मैं बोलूं अंकल्स सन कजन, अंकल सन मेरा क्या होगा मेरे अंकल का बेटा वो मेरा क्या रहेगा कजन. अब सर अंकल किसको बोलते हैं, अंकल का बेटा या आंटी का बेटा, अंकल सन या आंट सन दोनों मेरे क्या रहेंगे कजन. अरे अंकल सन बोलो या आंट सन बोलो क्या होगा कजन. उल्टा आंट्स डॉटर और अंकल्स डॉटर वो ही मेरे क्या रहेंगे कजन. तो बच्चे वेरी मच स्पेसिफिक कि अंकल और आंट, अब अंकल और आंट क्या होते हैं एक बात ध्यान रखना. अगर मैं यहां पर बताऊं कि अगर मैं खड़ा हूं तो विश्वास मानो मेरे पापा के भाई ब्रदर जो कि इसको बोलता हूं चाचा वही मेरे अंकल वाल्मीकि नहीं है, मेरे मम्मी के मदर के भाई मतलब मामा, मतलब आपके लिए चाचा का मतलब भी अंकल हो गया, आपके लिए मामा का मतलब भी क्या हो गया अंकल, ठीक है ना. पापा की बहन, पापा की सिस्टर जो कि होती बुआ, बुआ यहाँ पे क्या कहलाती आंट, बुआ यहाँ पे कहलाती आंट. और मम्मी की सिस्टर मतलब जो आपकी होती मासी, आपकी मासी भी क्या कहलाती है यहाँ पे आंट, ठीक है ना. तो इसका मतलब आपके पास बुआ का मतलब भी आंट है, चाचा का बुआ का मतलब भी आंट है, मासी का मतलब भी आंट है, चाचा का मतलब भी अंकल है, मामा का मतलब भी क्या है अंकल. बोलो कोई डाउट तो नहीं आता, समझ में आ गया. अब अगर हम कोई भी बेटा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन शुरू करते हैं तो हम लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि वी विल रिप्रेजेंट मेल बाय सर्कल एंड फीमेल बाय स्क्वायर, ताकि हमको मेल और फीमेल की चीजें क्लियर रहे. जो भी आपस में मैरिड कपल हो, क्या होंगे मैरिड कपल, उनके लिए हम क्रिस्क्रॉस करेंगे, तू मेरा मैं तेरा क्या, तू मेरा तू मैं तेरा क्या, हाँ हाँ क्या पति मतलब क्या बोलते हैं हस्बैंड वाइफ और कपल और स्पाउस. क्योंकि एक बात ध्यान रखना स्पाउस का मतलब क्या, ब्राइड का स्पाउस हस्बैंड होता है, हस्बैंड की स्पाउस क्या होती है ब्राइड. तो स्पाउस आप ये नहीं बोलते पति है पत्नी, स्पाउस का मतलब क्या हम आपस में क्या है पति पत्नी. तो कोई भी कपल होगा तो उसके लिए अपन ठीक है वी विल यूज समवट डायरेक्शन कुछ भी रिलेशन डिटरमाइन कर रहे हैं. बोलो कि डॉक्टर नहीं आता, जहां पे वर्ड ऑनली आएगा वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा. एक सेकेंड आप ये ध्यान रखना कि आपको क्या बोला गया है और कैसे बोला गया है, ठीक है ना. अच्छा एक और बात चीज अपन भूल गए,
कि हाँ क्या मतलब कौन मेल रहेगा कौन फीमेल, जेंडर के प्रति इनको स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। एक नेक्स्ट बात जो आपको करनी पड़ेगी, वाइफ्स फादर क्या होता है, फादर इन लॉ, वाइफ्स मदर, मदर इन लॉ, ठीक है ना, हस्बैंड्स फादर, फादर इन लॉ, हस्बैंड्स मदर, मदर इन लॉ। आई होप आई एम वेरी मच कंफर्म विद दिस, ठीक है ना। तो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है।